हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश लेसन नंबर 8, अ ग्रेट लीडर। ओके, तो ये लेसन हम अच्छे से समझेंगे। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। देखिए, इसमें क्या दिया है, महात्मा गांधी जी के बारे में दिया गया है। ठीक है, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी जी वह भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड के बहुत महान क्या है, लीडर, नेता रहे। ठीक है, अदर लीडर्स विन वॉर बाय हर्डिंग अदर एंड किलिंग देम। बाकी जो लीडर हैं वर्ल्ड में, उन्होंने जीता कैसे, उन्होंने जीता विंस जो वॉर है, जो युद्ध है, उसको जीता हर्टिंग्स अदर्स एंड किलिंग देम, मार करके जीता। ठीक है, मार करके जीता। महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी आर्म्स एंड वेपन लाइक गन्स राइफल्स और बॉम्ब। महात्मा गांधी जी ने कभी भी, उन्होंने वॉर युद्ध जीतने के लिए वेपन्स मीन्स हथियार लाइक कौन से गन्स राइफल्स और बॉम्ब इसका इस्तेमाल कभी भी किया नहीं। ठीक है, एंड येट ही वॉन द वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। इसके बावजूद भी इन्होंने भारत की आजादी को जीत लिया, है ना, आजादी जो हमें अंग्रेजों के गुलाम हम थे ना, तो महात्मा गांधी बिना हथियार के क्या किया, जीत लिया। पीपल लवली कॉल हिम बापू और बापू जी, फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, तो जो लोग हैं भारत देश के लोग हैं, गांधी जी को प्यार से क्या कहते हैं, बापू कहते हैं, या तो बापू जी बोलते हैं, या तो हम कहते हैं फादर ऑफ द नेशन। क्या कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल। गांधी जी जो है, एज अ मैन ऑफ आयरन विल, वो सुदृढ़ आदमी थे, संकल्प जो लेते थे वो करते थे। ठीक है, इफ ही डिसाइड टू डू समथिंग, यदि वो कुछ डिसाइड कर ले, निश्चय कर ले कि ये हमें करना है, ही डिड इट नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट वॉज। वह करते थे, वो नहीं देखते थे कि कितना ज्यादा वो तकलीफदायक है, डिफिकल्ट है, कितना प्रॉब्लम वाला है, ये सब नहीं देखते थे। करना है तो करना है, ऐसा वो जब निश्चय कर लेते थे तो वो पीछे कभी नहीं हटते थे। वन डे ही डिसाइडेड दैट ही वुड हैव एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर एवरी डे। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हर सुबह वो उठ करके क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे। क्या करेंगे, प्रेयर। ठीक है, और फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, ठीक है, उस दिन से क्या किया, उन्होंने प्रेयर करना चालू किया। तो प्रतिदिन प्रेयर करते थे, सुबह उठेंगे हमेशा, उन्होंने निश्चय किया कि अब रोज मैं उठूंगा और मॉर्निंग में क्या करूंगा, प्रेयर। तो उन्होंने उस दिन से चालू किया, ठीक है, और कभी भी बंद नहीं किया। ही नेवर मिस द प्रेयर, वो कभी भी मिस नहीं किए, मतलब छोड़े नहीं प्रेयर। गांधी जी गेव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द ट्रुथ सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी जो थे वो हमेशा महत्व देते थे ट्रुथ, सच्चाई को, सत्यता को, सिंप्लिसिटी, बहुत साधारण रहते थे वो, ज्यादा ठाट पाट नहीं करते थे, बहुत साधारण कपड़ों में रहते थे, एंड नॉन वायलेंस को बिलीव करते थे, मतलब झगड़ा नहीं करना है, है ना, मारपीट नहीं करना है, ये चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वो क्या करते थे, बिलीव करते नहीं थे, वो नॉन वायलेंस पे ज़्यादा बिलीव करते थे कि झगड़ा नहीं करना है। दैट इज नॉट हर्टिंग अदर्स, नॉन वायलेंस अभी बताया मैंने कि किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को तकलीफ न देना। गांधी जी ड्रेस वॉज वेरी सिंपल। जो गांधी जी का ड्रेस था, कपड़ा पहनावा था, वेशभूषा था, वो बहुत सिंपल था, आपको इसमें दिखेगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिखता होगा, ठीक है। तो इनका जो पहनावा था वो बहुत सिंपल था, साधारण था, जस्ट अ लोइन क्लोथ्स, अ धोती वन अबाउट द नी एंड समटाइम्स शॉल। ये कपड़ा कैसे पहनते थे, लोइन क्लोथ, लोइन क्लोथ का मतलब है लंगोटी, ठीक है, लंगोटी होता है ना छोटा कपड़ा,
तो वो पहनते थे और धोती पहनते थे अबाउट द नी, ये घुटने से थोड़ा ऊपर, देखिए इसमें दिखा होगा आपको, ठीक है। तो धोती पहनते थे घुटने के ऊपर और शॉल लेते थे अपने शरीर पर, ठीक है। चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, वो हमेशा एक ही कपड़े पहनते थे। Could he not afford fancy fashionable clothes? क्या वो महंगे कपड़े अच्छे कपड़े क्या अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्या? क्या खरीद नहीं सकते थे क्या? क्या उनके पास नहीं था क्या? गरीब थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। वह अफोर्ड कर सकते, अच्छे से अच्छे कपड़े वो पहन सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं पहना, ठीक है। ऑफकोर्स ही कुड देखा, कह रहा है कि वह अफोर्ड कर सकते थे। बट दिस सिंपल लोइन क्लोथ्स वॉज अ डेलिबरेटी चॉइस, लेकिन ये जो लंगोटी था, जो सिंपल कपड़े थे, वह जानबूझकर पहनते थे। क्यों पहनते थे? हाउ डिड ही कम टू मेक दिस चॉइस, लेकिन ऐसा चॉइस उन्होंने क्यों किया? क्यों ऐसे कपड़ा गांधी जी पहनने लगे, सिर्फ धोती और शॉल, क्यों? तो इसके पीछे कारण था, ठीक है। वंस गांधी जी वॉज वन लेक्चर टूर इन द ओडिशा, एक बार की बात है जब गांधी जी उड़ीसा में गए थे लेक्चर के लिए, अपने भाषण के लिए। तो यूजुअली मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन अ लार्ज नंबर टू लिसन टू हिम, स्पेशली वहां पर महिलाएं और पुरुष दोनों आया करते थे उनके लेक्चर में, उनके भाषण सुनने। लेकिन वहां पे क्या हुआ? हाउ एवर वुमन वेर नॉट सीन एट दिस पब्लिक मीटिंग और लेक्चर, लेकिन वहां पर उड़ीसा में क्या हुआ, महिलाएं नहीं आई थी, ठीक है। वन मेकिंग इंक्वायर्स, जब उन्होंने पूछताछ की, तो गांधी जी फाउंड दैट द पीपल इन द पार्ट ऑफ द कंट्री वेर नो वेर सो पुअर दैट देयर वुमेन वॉक हैड नॉट अ डिसेंट थिंग टू वेयर। तब उनको जाके मालूम पड़ा कि महिलाओं के लिए पहनने के लिए एक डिसेंट कपड़ा उनके पास नहीं था। मतलब इतना देश गरीब था कि लोगों के पास पहनने के लिए क्या थे, कपड़े नहीं थे। तो गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर महिलाओं के लिए क्या है, कपड़े तक नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया उस दिन से कि मैं भी बड़े कपड़े अधिक कपड़े नहीं पहनूंगा, सिर्फ एक धोती पर पूरा जिंदगी बिताऊंगा। मतलब बहुत छोटे कपड़ों में मैं क्या करूंगा, जिंदगी को बिताऊंगा। देखिए यहां लिखा है, वुमेन वेर नॉट सीन एट दिस पब्लिक मीटिंग और लेक्चर ऑन अ मेकिंग इंक्वायर्स, गांधी जी फाउंड दैट द पीपल इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री वेर सो पुअर दैट देयर वुमेन फॉक हैड नॉट अ डिसेंट थिंग टू वेयर, देयरफॉर इसीलिए दे केप्ट अवे फ्रॉम अ पब्लिक फंक्शंस, ठीक है। इसीलिए वो महिला आई नहीं यहां पे गांधी जी की मीटिंग में। गांधी जी वॉज डीपली पेन टू हियर दिस, और ये जब बात सुना उनको बहुत तकलीफ हुई। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, he decided to wear the bare minimum of clothes, तब से उन्होंने डिसाइड किया कि कम से कम कपड़े मैं पहनूंगा, क्योंकि मेरे देश के जो जनता है, जो पब्लिक है, उनके पास कपड़े नहीं है, और उनके पास वो पहनने के उनके पास नहीं, तो मैं इतना कपड़ा कैसे पहन सकता हूं, ठीक है। तो मैं इतना कपड़ा कैसे पहन सकता हूं, बी इट कोल्ड और हॉट, मतलब चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी, ही नेवर चेंज हिज सिंपल ड्रेस, इन्होंने कभी भी अपना ड्रेस चेंज नहीं किया, कभी भी ड्रेस अपना बदला क्या नहीं बदला, उन्होंने हमेशा उसी कपड़े को पहना। वंस ही हैड गॉन टू इंग्लैंड टू अटेंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, एक बार क्या हुआ, यह इंग्लैंड गए बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, ठीक है। तो वहां के जो राजा थे, किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो राजा थे किंग जॉर्ज, गेव अ रिसेप्शन टू द पार्टिसिपेंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस एट हिज प्लेस, और उन्होंने वहां पे उनको बुलाया। पीपल रिसीव बाय द किंग हैव टू ड्रेस अप इन अ सर्टेन वे, और वहां पे बुलाया, और खुद राजा जो जॉर्ज किंग थे, किंग जॉर्ज से वो खुद रिसीव करने आए, मतलब लेने आए। लेकिन लोगों को बोला गया था कि जो राजा है उनके सामने आपको अच्छे कपड़े पहन के जाना है, डिसेंट, ठीक है, अच्छे पहना होना चाहिए।
पीपल रिसीव्ड बाय द किंग हैव अ ड्रेस अप इन द सर्टेन वे एट दैट टाइम इंग्लैंड रूल ओवर इंडिया। और उस समय जो इंग्लैंड था वो राज कर रहा था भारत पर, ठीक है, भारत को गुलाम बना के रखा था। पीपल इन इंग्लैंड वॉन्टेड टू नो इफ गांधी जी वुड चेंज द स्टाइल ऑफ हिज ड्रेस टू सी द किंग। और इंग्लैंड के लोग जो थे वहां के वो चाहते थे कि जो ये राजा है उसके सामने जब जाए कौन, गांधी जी, तब अपना ड्रेस क्या करे, चेंज करे, जो अच्छा कपड़ा कोट वगैरह ऐसा डाल करके जाए। लेकिन गांधी जी मेड इट वेरी क्लियर दैट ही वुड बी ड्रेस इन हिज यूजुअल वे। लेकिन गांधी जी ने बोला मैं दूसरा कपड़ा नहीं पहनूंगा, जो ड्रेस मैं हमेशा पहनता हूं वही ड्रेस को मैं पहन के जाऊंगा, दिखावा नहीं करना है मुझे कि मेरे दो देश के लोगों को कपड़े नहीं पहनने के लिए और मैं इनके पास जाऊं दम अच्छे कपड़े पहन करके, नहीं, मैं जो मेरे पास कपड़े हैं मैं हमेशा पहनता हूं वही कपड़े मैं पहन के राजा के पास जाऊंगा, ये क्लियरली बता दिया। इवन व्हेन विजिटिंग द किंग ऑफ इंग्लैंड, चाहे वो राजा मिलने हमसे आए, ठीक है, या कोई भी हो, मैं वही कपड़ा पहनूंगा। He would wear the dress of the people whom he represented. मैं बताया आपको कि मैं वही कपड़े पहनूंगा जिस देश में मैं रहता हूं और जो लोग मेरे कपड़े पहनते हैं जिस तरह, वैसे ही मैं अपने देश के वासियों को रिप्रेजेंट वहां पे करूंगा। गांधी वॉज नॉट बॉदर्ड बाय द स्टाइल ऑफ ड्रेस द ब्रिटिश अप्रूव ऑफ। और उनको कोई चिंता नहीं थी कि ब्रिटिश की जो इंग्लैंड है वो कैसे कपड़े पहने बोल रहे हैं। सो लॉन्ग एज द पुअर पीपल इन हिज कंट्री डिड नॉट हैव इनफ क्लोथ टू वेयर। और वो अच्छे कपड़े पहन के राजा के सामने कैसे जा सकते हैं जबकि उनके देश में जो जनता है उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, इनफ कपड़े नहीं है, मतलब ज्यादा कपड़े नहीं है, तो ये कैसे पहन के जा सकते हैं। जो कपड़े हैं जिस तरह मेरे देश के लोग पहनते हैं वैसे ही मैं जाऊंगा, ठीक है, ऐसा वो क्लियरली बता दिए। फाइनली द किंग हैड टू वेलकम एट हिज रिसेप्शन। और आखिर में राजा ने उनको उसी रूप में रिसीव करने आए, ठीक है, उनको क्या करने आए, रिसीव करने आए, मतलब जो धोती पहनते थे वैसे ही कपड़े में उनको रिसीव करने आए। दिस ग्रेट मैन ड्रेस इन सिंपल लुइन क्लॉथ एंड शॉल। और उस समय भी गांधी जी कौन से कपड़े पहने थे, वही लुइन क्लॉथ एंड शॉल, वही धोती लंगोटी और शॉल जो पहने थे वही नॉर्मल घुटने से ऊपर धोती था, ठीक है, ऐसे पहने थे। आपको पेज नंबर दिखा होगा 17 पे, देखिए फोटो है। द किंग हिमसेल्फ वॉज ड्रेस क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंसली। याद रखिए गांधी जी ने तो वैसा कपड़ा पहना ही था, राजा ने भी एकदम साधारण सा कपड़ा पहना कि लगना नहीं चाहिए मैं एकदम अलग हूं, सेम कपड़े ऐसे हो जाए, ऐसे उन्होंने भी साधारण सा कपड़ा पहना था। गांधी जी वॉज आस्क वेदर ही हैड इनफ क्लोथ्स ऑन फॉर मीटिंग विद द किंग। उन्होंने बोला क्या आपके पास इतने कपड़े नहीं है क्या जो आप ऐसे पहन के आए हो। He replied that the king had enough clothes on for both of them. तो उन्होंने बोला कि राजा के पास भी बहुत कपड़े हैं, ठीक है, राजा है वो, तुम्हारे लिए भी और उनके लिए बहुत कपड़े हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा वो नहीं पहने। Millions of people, poor people in India felt happy that the Mahatma Gandhi dressed like them. और millions, कई लाखों लोग भारत के बहुत खुश हो गए कि महात्मा गांधी जी राजा से मिलने गए लेकिन जो कपड़ा पहना था हमारे जैसा कपड़ा पहना था, वो अलग नहीं थे, हमारे जैसे थे, हम जैसे कपड़ा पहनते वैसे कपड़ा पहन के वो गए वहां पे मिलने उनसे। तो ये देख करके लोगों में बहुत खुशी हुई कि जो देश के महात्मा गांधी है वो उनके जैसे ही कपड़े पहने हैं। ऑल्दो महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। आपको ये पता है कि महात्मा गांधी ने कभी भी डिस्ट्रक्टिव वेपन का इस्तेमाल नहीं किया। डिस्ट्रक्टिव मतलब हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया।
ही हैड मिलियंस ऑफ स्टॉक्स फॉलोअर, तो भी उनके लाखों ठीक है फॉलोअर्स, उनको अपनाने वाले लोग उनको फॉलो करने लगे. ठीक है, गांधी जी शोड ऑल द सप्रेस पीपल इन द वर्ल्ड द न्यू पाथ ऑफ द सत्याग्रह. और गांधी जी ने देश के लोगों को एक रास्ता दिया अपने काम को करने का, जिसका नाम है सत्याग्रह. झगड़ा मारपीट करके किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता. झगड़ा करेंगे तो तुम्हारा नुकसान हमारा नुकसान, लेकिन जब हम शांतिपूर्वक जब किसी बात को हम सामने किसी के सामने रखते हैं तो उसका हल निकल सकता है. ठीक है, झगड़ा करने से हल कभी भी नहीं निकलेगा. ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज ग्रेटनेस नॉट इन इंडिया ओनली. ओके, महात्मा गांधी जी सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात हैं, बहुत फेमस हैं, क्योंकि इनके ग्रेटनेस से, इनकी महानता से ये पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में सभी जगह ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं. बट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में ही गांधी जी का क्या है, चर्चा है. ठीक है, तो दोस्तों इस तरह ये पूरा लेसन था और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ. तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.